पोजीशंस के बारे में, हर किसी को अलग अलग ज्ञान है। कोई कानून को बहुत अच्छी तरह से जानता है, तो कोई शरीर को जानता है, कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को बहुत अच्छा जानता है, कोई इंजीनियरिंग बहुत अच्छी जानता है। ये सब ज्ञान है, बोध, लेकिन ये आत्मबोध नहीं है, ये वस्तु विषय बोध। ये आत्मबोध नहीं है, ये वस्तु और विषय का बोध है। अर्थात यू हैव ए नॉलेज अबाउट ऑब्जेक्ट और ए बीइंग, और ये नॉलेज जो है संसार में बहुत लोगों के पास है और कुछ समय बाद बदल जाती, ऑब्सोलीट हो जाती। सुनार को सोने का ज्ञान है, कुम्हार को मिट्टी का ज्ञान है। एक व्यक्ति के पास मैं किताब लेके गया, उसने किताब को, मैंने जब वेदांता ट्रीटाइज को दिया, तो जैसे उसने किताब देखी, कागज से देखा, काफी अच्छा पेपर लगाया हुआ है, किताब पे ध्यान नहीं है उसका, किस पे ध्यान है, पेपर पे, क्योंकि बिजनेस पेपर बिजनेस में। तो जाती रही भावना जैसी हरि मुहूर्त तिन देखी वैसी, जाती रही भावना जैसी हरि मुहूर्त तिन देखी जैसी। लेकिन जो भी जिस फील्ड का ज्ञानी होता वो तत्व को देखता, सुपरफिशियल नहीं होता। जैसे सुनार सोने को देखता है, जेवर को इसके उतना ध्यान नहीं है, कुमार मिट्टी को ज्यादा देखता है ना कि बर्तनों। सो हम किसको ज्यादा देखते हैं, वो तत्वदर्शी। और ज्ञान आपको लेना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई ऑप्शन नहीं। इग्नोरेंस इज नॉट ए ब्लिस, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, हमारे यहां कहते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। सो वो ज्ञान किसका, ज्ञान अपने आप का। वो कौन है जो मेरी आंख के भीतर मुझे दिखा रहा है, ये आंख नहीं देख रही सर, ये आंख गोलिया है, ये आंख नहीं देख रही, इसके भीतर कुछ और है जो दिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी आंखें डोनेट कर जाते हो, अपनी आंखों को दान दे जाते हो मृत्यु के बाद, जब आपकी इस आंखों से आपसे कोई और देख सकता है। इसका मतलब आंख मरने के बाद भी आंख में देखने की क्षमता है, कैपेसिटी है आंख को देखने की, लेकिन वो आंख देख नहीं पा रही। वो क्यों नहीं देख पा रही, कुछ और है जो उस आंख के भीतर दिखा रहा है, कुछ और है जो इस उंगलियों को चला रहा है, कुछ और है जो इस खाने को पचा रहा है। वो कौन है, वो आत्मा, उसका ज्ञान आत्मा बोध है। और ये ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञानों में से एक, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानों में से एक नहीं है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। क्यों, क्योंकि ये ज्ञान कभी भी ऑब्सोलीट नहीं होता। और ये ज्ञान आने के बाद सारी दिशाओं का भास हो जाता है। जैसे नॉर्थ पता चल जाए, कंपस में नॉर्थ पता चल जाए, तो सारी और सारा ज्ञान आ जाता है। इसलिए ओमनिशियंट, ओमनिपोटेंट, ओमनिप्रेजेंट बोला, ओमनिपोटेंट सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी है ज्ञान, हर जगह। इस ज्ञान के लिए आपको हिमालय जाने की जरूरत नहीं है, हर जगह कण कण में। जिसकी बुद्धि जितनी विशाल होती है, उतनी छोटी से छोटी चीज में उस ब्रह्म को, उस परम को देखता है। जिसकी बुद्धि स्थूल होती है, ग्रॉस होती है, उसको विशाल स्वरूप चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक हर आदमी नायग्रा जब देखता है, ग्रैंड कैनियन देखता है, हिमालय देखता, तो मुख से यक बयक क्या निकलता है, उसके मुंह से एकदम क्या निकल जाता है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, व्हेन यू सी अ नायग्रा फॉल यू से ओ माय गॉड। लेकिन अगर आपका आत्मबोध ज्यादा है, यदि आपका आत्मबोध और ज्यादा है, तो सनसेट और सनराइज में आपको वो डिविनिटी स्प्लैश होती नजर आएगी। यदि आपका आत्मबोध और ज्यादा सूक्ष्म है, तो एक फूल की पत्ती में आपको परमात्मा स्प्लैश होता नजर आएगा। और अगर आपका ब्रह्म स्वरूप बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो एक पीनट में, एक बादाम के पीस में, एक आंख के आंसू में आपको परमात्मा स्वरूप नजर आ जाएगा। तो वह परमात्मा स्वरूप जो सर्वव्यापी है, वह परमात्मा स्वरूप जो घट घट है, वो एक मूंगफली में भी है और हिमालय में भी है। लेकिन जितना आत्मबोध आपका ज्यादा है, उतना सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज में स्प्लैश ऑफ डिविनिटी नजर आएगी।
जितना आपका आत्मबोध कम है, तो हम अपने वो आत्म के बोध को बढ़ा रहे। 100% आत्मबोध सेल्फ रियलाइजेशन, 100% एवोल्यूशन सेल्फ रियलाइजेशन। तो हम यहां बैठ के अठन्नी चौन्नियों का ज्ञान नहीं ले रहे, हम यहां बैठ के ये ज्ञान नहीं ले रहे कि कैसे स्टॉक मार्केट बढ़ाई जाए, हम यहाँ पे बैठ के ये ज्ञान नहीं ले रहे कि कैसे कोरोना वायरस को हिट किया जाए, हम यहाँ बैठ के ये भी ज्ञान नहीं ले रहे कि कैसे समाज में मर्यादा लाई जाए, हम ये भी नहीं कह रहे कि समाज यहाँ बैठ के कैसे समाज में मोरालिटी लाए, क्योंकि मोरालिटी भी चेंज होती, मोरालिटी और इमोरल भी चेंज होते। आज से 5000 साल पहले दूध बेचना ऐसे था जैसे माँ को बेचना इमोरल माना जाता था, आज से 100 साल पहले लड़की का नौकरी करना इमोरल माना जाता। हम मोरालिटी और इमोरलिटी की बात नहीं कर रहे क्योंकि वो भी सामाजिक है, वो भी देश काल और पात्र के अनुसार अलग है। एक छोटे बच्चे के लिए माँ बाप पे निर्भर होना, एक छोटा बच्चा माँ बाप से पैसे ले रहा है वो कंप्लीटली मॉरल है, लेकिन 40 साल का हो गया लेकिन अभी भी कुछ कमाता नहीं और माँ बाप पे निर्भर है, इमोरल है। मॉरेलिटी और इमोरलिटी के से ऊपर की बात है आत्मबोध। प्लीज हम समाज सुधार की भी बात नहीं कर रहे, हम इस ज्ञान से ये नहीं सोचो समाज सुधार हो जाएगा। समाज कुत्ते की पूंछ है, कभी भी सीधी नहीं होता। समाज को सुधारना ऐसे ही है जैसे कुत्ते की पूंछ को सीधा करना, कभी नहीं होगा। भगवान कृष्ण आगे ठीक कर पाए क्या समाज को? तो आत्मबोधा साइंस की ज्ञान नहीं है, आत्मबोधा फिजिक्स और केमिस्ट्री का ज्ञान नहीं है, आत्मबोधा सोशियोलॉजी नहीं है, आत्मबोधा समाज का कल्याण है, आत्मबोधा कोई सोशल वर्क नहीं है। ये नहीं है कि हम कोई सोशल वर्क कर रहे हैं कि समाज सुधार हो जाए, ना भूल जाइए। मोरालिटी इमोरलिटी सोशल बिहेवियर चेंज होते हैं। आज से 100 साल पहले लड़की का नौकरी करना बुरा था, आज श्रेष्ठ। आज से 5000 साल पहले दूध बेचना इमोरल था, आज मॉरल। मॉरेलिटी और इमोरलिटी की तो धज्जियां उड़ चुकी हैं, धज्जियां उड़ चुकी हैं। जो जो सोच भी नहीं सकते थे आज वो मॉरल हो। आज से 100 साल पहले सोच भी नहीं सकते थे कि शादियों में शराब भी आएगी, आज नॉर्मल। सो आई एम नॉट हेयर टू जज एनीबॉडी कि आपको मॉरेलिटी के प्रवचन देने आए, मैं यहाँ पे समाज सुधार की बात भी नहीं करने आया, मैं यहाँ पे समाज में कैसे मर्यादा बनाई जाए वो भी नहीं बात करने, क्योंकि वो भी बहुत सब्जेक्टिव है, चेंजेबल है। यहाँ बात कर रहे हैं आत्म की, अपने आत्म स्वरूप की, जो चेंजलेस है। सोशल नियम चेंज हो सकते हैं, संसार की मॉरेलिटी चेंज हो सकती, समाज के वैल्यूज चेंज हो सकते हैं, इंजीनियरिंग चेंज हो सकती है, मेडिसिन चेंज हो सकती है, सोशल बिहेवियर पैटर्न चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपका मेरा जो आत्म है वो अजर अमर अविनाशी अचल निर्गुण है, निराकार है, वो चेंजलेस है, उसे समय की थपेड़े बदलती नहीं है। ऑफकोर्स जितना स्पिरिचुअली वर्ल्ड हो उतने आप में मोरालिटी ज्यादा आती है, लेकिन मोरालिटी मॉरल होना स्पिरिचुअल नहीं है। आई रिपीट, जितने आप स्पिरिचुअल होंगे उतने आपके अंदर एथिक्स ज्यादा आएंगे, बट जस्ट बिकॉज यू आर एथिकल इट डजंट मीन यू आर स्पिरिचुअल। जितने आप स्पिरिचुअली वर्ल्ड होंगे उतनी आपके जीवन में क्लीनलीनेस ज्यादा आएगी, but just because you have a cleanliness it doesn't mean you are spiritual, the contrary is not the truth. Jitne aap spiritual upar honge utna krodh kam hoga, but just because gussa nahi hai it doesn't mean you are spiritual, contrary is not the truth, please samjhiye. To spirituality kya hai,
कितने आप सेल्फ सफिशिएंट, कितने आप आपका थॉट उस प्योर कॉन्शियसनेस से ट्यून्ड है, कितना आपका थॉट उस आइडिया से ट्यून्ड है कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द इंटेलेक्ट। ये पासिंग फिनोमिना, नित्य अनित्य विवेक विचार, कितना आपके अंदर विचार है कि टेम्पररी है ये परमानेंट है। सो मॉरल इमोरल सोशल बिहेवियर से ऊपर की बात, मैं ये नहीं कह रहा कि स्पिरिचुअल आदमी इमोरल होता है, मैं ये नहीं कहता कि स्पिरिचुअल आदमी सोशली कॉन्शियस नहीं होता, बट जस्ट बिकॉज यू हैव अ मॉरलिटी एंड एथिक्स डजंट मीन यू आर स्पिरिचुअल, कॉन्ट्ररी इज नॉट द ट्रुथ। तो जीवन मुक्त व्यक्ति कैसे होता है, आत्मबोध व्यक्ति कैसे होता है, उस पर हम चर्चा करें। तो आज शुरू करते हैं हम आत्मबोध का श्लोक नंबर 49। आत्मबोध श्लोक नंबर 49। जीवन मुक्तस्तु तद्विद्वान् पूर्वोपाधि गुणां त्यजेत् सच्चिदानन्द रूपत्वात् भवेद् भ्रमर कीटवत्। जीवन मुक्तस्तु तद्विद्वान् पूर्वोपाधि गुणां त्यजेत् सच्चिदानन्द रूपत्वात् भवेद् भ्रमर कीटवत्। द लिबरेटेड सोल एंडोर्ड विद सेल्फ नॉलेज drops its traits of the previous equipments to become self, with nature of existence knowledge bliss, just as worm becomes wasp. Just as जैसे कीट भ्रमर बन जाता है, just as worm become a wasp, इसी तरह से आत्मानुभवी जीवन मुक्त पूर्ण वर्णित उपाधियों के गुणों को त्याग कर सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही हो जाता है। ये आदमी जो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है ब्रह्म हो जाता है, जो प्रिंसिपल की सीट को प्राप्त करता है वो प्रिंसिपल हो जाता है, जो जज की सीट को प्राप्त करता है वो जज हो जाता है, नदी समुद्र को प्राप्त करती है समुद्र बन जाती है, सिमिलरली जो ब्रह्म को प्राप्त करता है वो ब्रह्म बन जाता है। ब्रह्म संस्कृत का मतलब है परमात्मा, सबसे ओरिजिनल नाम उस परम सत्ता के लिए यूज किया गया वो था ओम। सबसे ओरिजिनल नाम उस परम सत्ता के लिए प्रयोग किया गया वो ओम था। ओम को जब कॉम्प्रिहेंड समझना मुश्किल हो गया तो नाम आया ब्रह्मन या ब्रह्म, उसके वो भी समझना मुश्किल हो गया तो नाम आया आत्मा, और जब आत्मा को भी कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल हो गया तो नए नाम आए भगवान, प्रभु, ईश्वर, मालिक, साईं, दाता, गॉड, ये लेटेस्ट नाम है। हमारे उपनिषदों में गॉड शब्द नहीं यूज किया, हमारे शास्त्रों में कोई गॉड शब्द यूज प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन आज हमारी भाषा में गॉड शब्द बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत नॉर्मल है, क्योंकि भाषा बदली है। आज से 5,000 साल पहले पिताजी को पिताश्री बुलाते थे। यदि महाभारत रामायण देखो तो वहां पे पिताश्री बुलाते हैं, फिर पिताश्री से श्री हटा, पिताजी आया, फिर पिताजी से पिताजी हटा, डैडी जी आया, पापा जी आया, डैडी जी से जी हटा, डैडी आया, फिर ई हटा, डैड आया, पापा जी से जी हटा, पापा आए, पापा से आ हटा, पॉप्स आए। नथिंग रॉन्ग, लेकिन एवरीबॉडी कंस्टिट्यूट हिज ओन और हर ओन डिजायर, और ये जो डिजायर है जो आपको मुझको मुक्त करती है वो है स्पिरिचुअल डिजायर। शब्द अलग है, शब्दों को इंपॉर्टेंट मत। तो आज से 5,000 साल पहले और उससे भी पहले जो शब्द यूज किए जाते थे वो थे ब्रह्म, और अब यूज किए जाते हैं भगवान, मालिक, साईं। सो वो आनंद ब्रह्म स्वरूप कब प्राप्त होता है? जब आदमी जीवन मुक्त हो जाता है,
जब इस आवागमन से ऊपर निकल जाता है। अब आप लिमिटेड नहीं रहे, अनलिमिटेड हो गए। जब बच्चे जो जेल में पैदा होते हैं उनको पता नहीं होता कि वो जेल में रहते हैं। जो बच्चे जेल में पैदा होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि वो जेल में रह रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग जो स्त्रियां ऐसे कर्म कर देती हैं, जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो वो बच्चों का जन्म ही या एक दो साल में वो जेल में चले जाते हैं, मां के साथ रहते, और वो मां के साथ रहते रहते उनका जन्म ही जेल के अंदर, और जेल में स्कूल भी होते, और बाकी प्रिजनर के बच्चे भी उन स्कूलों में पढ़ रहे होते, और उन बच्चों को पता ही नहीं होता कि वो जेल में रह रहे, क्योंकि उन्होंने इसके सिवा कुछ और देखा नहीं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो साइकोलॉजिकल जेल में रहते, होराइजन खुला नहीं, वो वार्म वास्प बने ही नहीं, जैसे कहते हैं वार्म बिकम अ वास्प, वो खुली नहीं। आई नो लॉट्स ऑफ पीपल, दे हैव नॉट सीन एनीथिंग। बहुत महान है जिनके जिनके पंख उड़ चुके हैं, जिन्होंने विशाल संसार देखे। एकेडमी में एक मुक्ता बहन थी, हमारी जो एकेडमी है मलावली में, वेदांता एकेडमी, एक मुक्ता बहन थी जिसका जन्म कामशेत में हुआ था, ससुराल लोनावाला में था, काम मलावली में करती थी। मीनिंग मलावली जो है वो 115 किलोमीटर दूर है बॉम्बे से और 45 किलोमीटर पुणे से दूर है, बट ये लेडी वाज बोर्न इन कामशेत विच इज 10 किलोमीटर फ्रॉम मलावली और लोनावाला विच इज 10 किलोमीटर। तो इमेजिन कीजिए, ऐसे मैं आपको चार्ट से समझा देता हूं। तो ये मलावली है और 115 किलोमीटर बॉम्बे है और 45 किलोमीटर दूर पुणे, दिस इज द मलावली, और 5-10 किलोमीटर कामशेद है और 10 किलोमीटर लोनावाला है। उसने पूरी लाइफ कामशेद और लोनावाला के बीच में बिता दी, नेवर बीन टू मुंबई, नेवर बीन टू पुणे इन हर होल लाइफ। इनक्रेडिबल इंडिविजुअल, incredible individual, I never met somebody like that. Kya Malavali, Lonavala, Kamshi, that's all. Horizon kitna bada? Chota sa. Ab mere dimag mein bhi futur aaya ki iska horizon badhaya kiya jaye, isko worm se wasp banaya jaye, isko duniya dikhaye. To हर 2-3 साल बाद वेदांता एकेडमी से स्टूडेंट दिल्ली आते थे, तो मैंने सर से कहा कि सर स्टाफ भी आया जाए। सर ने कहा यस स्टाफ शुड कम आल्सो, तो स्टाफ स्टार्ट कमिंग टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द दिल्ली इंडिया, बॉम्बे, मद्रास, बैंगलोर। मेरी मंशा थी मुक्ता बहन को लेके आना दिल्ली, और वो भी बाय एयर। आदमी की सोच अलग होती है, उसका प्रारब्ध अलग। And she was so happy कि she is coming to the Delhi by air. और सब कुछ हो गया। But as the प्रारब्ध goes, फ्लाइट से 2 दिन पहले उसकी मदर इन लॉ की डेथ हो गई। She never met. उसके बाद she died, not self died. Now why I am bringing this? जिसके पंख उड़े हैं ना, तो वो दिमाग की उड़ान भी ऊंची ले, प्लीज ले। यदि आपके पास होराइजन बड़ा है, आपके पास आपकी बुद्धि की सोचने की शक्ति बड़ी है, तो फिर पैनी वाइज एंड पाउंड फुलिश मत होइए। यदि आपके दिमाग की सोच बड़ी हो सकती है, नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धि, यदि आपके दिमाग की सोच विशाल हो सकती है तो छोटा मत सोचिए। और बहुत लोगों की क्षमता है विशाल सोचने, लेकिन हम सिर्फ अठन्नी चौन्नियों में सोचते रहते हैं। अपने बिजनेस को
कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसी सोच में पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे। इसी सोच में कि बच्चे की शादी करनी है, बच्चे को स्कूल डालना, बच्चे की एडमिशन करनी है। आप और मैं विशाल स्वरूप धारण करने वाले एक संकल्प लेके, लेकिन छोटी छोटी चीज में, तो नॉलेज ऑफ सेल्फ आपका होराइजन बढ़ाएगी, नॉलेज ऑफ सेल्फ आपकी दृष्टि बढ़ेगी। यदि मैं इस लेवल से देखूं, जमीन के स्तर पे देखूं, तो मुझे उतार चढ़ाव नजर आते। ये कुर्सी है, ये टेबल है, ये सामने फोटो है, पीछे अलग अलग चीजें, लेकिन यदि मैं छत पे खड़ा हो जाऊं तो मेरा होराइजन बड़ा हो जाता है और भेदभाव कम हो जाता है। समझिए, जितना मैं नीचे से देखता हूं उतना डिविजन ज्यादा है और मेरा विजन कम है। जितना आप छोटे हो आपका डिवीजन ज्यादा है और विजन कम है। छत पे जाओगे तो डिवीजन कम है और विजन ज्यादा है। हेलीकॉप्टर से देखोगे तो विजन ज्यादा है और डिवीजन कम है। एरोप्लेन से देखोगे तो विजन विशाल है, डिवीजन कम है। और चांद में चले जाओगे तो चांद से देखोगे तो विजन विशाल है और डिवीजन कम है। तो जिसका विजन विशाल है उसी का डिवीजन कम है, जिसका डिवीजन छोटा है उसका जी डिवीजन थोड़ा है उसका विजन भी छोटा है। विजन बढ़ाओ, डिवीजन कम होंगे। जैसे हेलीकॉप्टर से देखो तो बिल्डिंग छोटी नजर आती है, डिवीजन कम नजर आता है। एरोप्लेन से देखो तो हिल्स एंड वैली एक जैसी हो जाती है, हिल्स एंड वैली एक जैसी होती है। और चांद से देखो, जैसे यहां से चांद को देखो, कहते हैं चांद में इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं कि माउंट एवरेस्ट से भी बड़े हैं, लेकिन यहां से चांद का विजन हायर है। तो समय, तो डिविजन ऑफ कास्ट एंड क्रीड, डिविजन ऑफ कास्ट एंड क्रीड इज ऑनली व्हेन योर विजन इज वेरी लो। So, हम सब अपना विजन बनाए इस वास्प से, वॉर्म से वास्प बने। और वो कब बनेंगे? जब उपाधियों से ऊपर उठेंगे, जब ये नाम रूप से ऊपर उठेंगे, जब अपने आप को सीमित नहीं बनाएंगे। और आप सब उत्तराधिकारी हो सीमित तत्वों के, आप सब बॉर्न ही इसीलिए हुए हो कि उस अपने विजन को बढ़ाओ, हॉराइजन को बढ़ाओ, अपने विजन को बढ़ाओ और डिविजन को कम करो। इसीलिए हम पैदा हुए दुनिया में, और कोई पर्पस नहीं है। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू, अपने आप को निमाना, सीमित, लिमिटेड मत मानिए। अपने आप को आप परम स्वरूप मानिए, जीवन मुक्त हुई है, लिमिटेड नहीं है। जेल में पैदा हुए मत रहिए। बच्चा जो जेल में पैदा होता है उसका विजन और होराइजन बहुत लिमिटेड होता, लेकिन एक बार वो बाहर देख ले, एक बार वो बाहर की दुनिया देख ले, उसकी सोच बढ़ जाती है। समाज तो बहुत बड़ी बात है, दुनिया तो बहुत बड़ी बात है। आई नो ए मैन, ही फ्लू फ्रॉम हेयर टू एडमिंटन, नॉट हेयर, फ्रॉम न्यूयॉर्क टू एडमिंटन। एडमिंटन टोरंटो का एक शहर है, एडमिंटन टोरंटो का एक शहर है। उसकी उसमें एक वेस्ट एडमिंटन मॉल है, दुनिया के सबसे बड़ी मॉलों में से एक बड़ी मॉल है। सबसे बड़ी मॉल नहीं है, आई थिंक सबसे बड़ी मॉल शिकागो में है, दुबई में, आई डोंट नो, चेंज होती रहती है, लेकिन आई हैव सीन दैट मॉल, सो आई एम टॉकिंग, आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ही टुक ए फ्लाइट फ्रॉम न्यूयॉर्क टू एडमिंटन, और एडमिंटन में उसकी कॉन्फ्रेंस थी एडमिंटन मॉल के अंदर। और एडमिंटन मॉल दुनिया की सबसे बड़ी मॉल में से एक है, उसके अंदर होटल्स है, बीच है, आर्टिफिशियल बीच है, पनडुब्बियां चलती है, थिएटर्स है, पूरा का शहर बसा हुआ है उसी एक एडमिंटन मॉल में। लाख के करीब तो वहां पे कार पार्किंग हो सकती है, ह्यूज अपना बीच है, उस पर अपना आइस स्केटिंग है, होटल्स है, मॉल्स है, रेस्टोरेंट्स है,
भैया 2 दिन रहा एडमिंटन मॉल में, होटल में ही रहा, वही घुमा, वही कॉन्फ्रेंस हुई। एंड उसने ये सोचा, दिस इज एडमिंटन, शहर ही है ये। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू कॉम्प्रिहेंड मैं जो बात कर, क्योंकि उसके सिवा एडमिंटन में मॉल के, वेस्ट एडमिंटन मॉल के बाहर कहीं गया ही नहीं। सो व्हाई आई एम सेइंग इट, अपने विशाल, अपने बुद्धि को विशाल कीजिए, ये वॉर्म को वॉस्प बनने दीजिए, कीट को पतंग, भ्रमर बनने दीजिए, अपने होराइजन को बढ़ाइए। आप सीमित इंडिविजुअल नहीं है, आप अमृतस्य पुत्रम हो, आप उस विशाल ब्रह्म स्वरूप हो, पूरे ब्रह्मांड के राज्य के अधिकारी। और अपने आप को सीमित बना के, निमाणा बना के, निमित्त बना के, सॉरी सीमित बना के जीवन मुक्त होइए। नेक्स्ट 50। तीर्त्वा मोहार्णवं हत्वा रागद्वेषादिराक्षसान् योगी शान्तिसमायुतः आत्मा रामो विराजते। तीर्त्वा मोहार्णवं हत्वा रागद्वेषादिराक्षसान् योगी शान्तिसमायुक्तः आत्मा रामो विराजते। Having crossed the ocean of delusion and killed the demons of likes and dislikes, etc., the sage united with peace revels and shines in us. मोह के सागर को पार करने और राग द्वेषी रूपी राक्षसों को मारने के पश्चात शांति से एक रूप हुआ योगी, आत्मा में रमन करता है। मोह के सागर को पार करने, ये राग और द्वेष सुन लीजिए, गीता जी भी कहते हैं और आत्मबोध भी कहते हैं, राग द्वेष ही आपके सबसे बड़े दुश्मन। राग द्वेष रूपी आपकी, राग द्वेष का मतलब है योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स आर योर बिगेस्ट एनिमी। आई रिपीट, आपकी पसंद और नापसंद ही आपके सबसे बड़े दुश्मन है। योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स आर योर बिगेस्ट एनिमी। राक्षसों को मारिए, किस कौन से राक्षस है। इसलिए दुनिया के सब धर्मों में डिजायर को प्रसोनिफाइड एज ए राक्षस, हिंदू धर्म में उसे असुर कहा गया, राक्षस कहा गया, क्रिश्चियनिटी में से सैटन कहा गया, मुसलमान शैतान कहते हैं, बुद्धिज्म उसे मारा कहते हैं। मक्के में जब जाओ तो एक पर्वत है जिसपे पत्थर मारने होते हैं, वो शैतान का पर्वत है, उसे कहते हैं, उसे पत्थर मारते हैं। ना लिटरली यू टेक इट इन डिफरेंट वे, बट आपको अपने शैतान को मारना, और ये शैतान बड़ी ही सुंदर रूप में, शैतान ब्राह्मण के रूप में भी आता है। रामायण में शैतान राक्षस ब्राह्मण के रूप में आया, बाइबल में, न्यू टेस्टामेंट में, मैथ्यू चैप्टर में आता है, द टेम्पटेशन केम टू जीसस क्राइस्ट, और वो जीसस क्राइस्ट को टेम्पटेशन देने लगे, एंड देन ही मेड अ वेरी फेमस कोट, गेट थी बिहाइंड मी सैटन, आई हैव नथिंग इन योर। सो प्लीज टेम्पटेशन आएंगे आपके लिए, और छोटी मोटी नहीं, बड़ी बड़ी टेम्पटेशन आएगी, नाम की, यश सम्मान की, और ये राग और द्वेष रूपी राक्षस को मार, जब तक मारोगे नहीं शांति प्राप्त नहीं होगी, और ये शांति कब आती है, जब राक्षसों को आप पहचान लो, और ये मोह के सागर में आपको मुझको फंसाते हैं, पश्चात शांति का एक रूप योगी आत्मा में रमन करता है। ना प्लीज समझिए, आराम से बैठिए और सोचिए मेरी बात, ये बहुत दिमाग जो हमारा उथल पुथल होता है ना, वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग का जो राक्षस है ना, हमें निचिल्ला बैठने देता है, कभी इधर खुरक रहे, कभी इधर खुरक रहे, कभी इधर खुरक रहे, शांत होके बैठिए, कुछ नहीं होने वाला तुम्हें, ये मन है जो बिठाता है। हम बच्चों के साथ गेम खेलते हैं,
पिट्सबर्ग में हम बच्चों के साथ एक गेम खेलते हैं राक्षस का, उसे मेडिटेशन गेम कहते हैं, सोचिएगा। और मैं कॉर्पोरेट के साथ भी खेलता हूँ, बड़े बड़े कॉर्पोरेट के साथ भी खेलता हूँ। ये शैतान कैसे आता है? हम बच्चों को बिठा देते हैं और कहते हैं कि एक मेडिटेशन गेम खेल रहे हैं, और उस मेडिटेशन गेम में हम सबको कहते हैं कि निश्चिंत होके आराम से बैठो और अपने बॉडी पार्ट कोई भी हिलाना नहीं है, आंखें बंद कर सकते हो। और यदि आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट हिला, यू आर आउट। नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, जो लोग बच्चे आउट हो जाते हैं उनको मैं कहता हूं कि आप वर्बली, फिजिकली नहीं, वर्बली दूसरों को डिस्टर्ब कर सकते। And it's a treat. बच्चे जोक मारते हैं, स्टोरी सुनाते हैं, पन मारते हैं। पर्पस क्या है? कि जो शांत बैठे हैं उनको डिस्टर्ब करें। और 90% बच्चे क्या हो जाते हैं? डिस्टर्ब हो जाते, हिल जाते। ना उनका पर्पस क्या था? वो राक्षस है, मैं कहता हूं। वो जो आपके सोकल फ्रेंड्स हैं वो राक्षस हैं। उनका मकसद क्या है? आपको डिस्टर्ब करना। और आप डिस्टर्ब हो गए, दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज देन यू आर इन द सेम लीग, यू आर इन द सेम लीग, क्योंकि आपको डिस्टर्ब किया, आप आउट हो गए, फिर वो खड़े होके बाकियों को डिस्टर्ब कर। सो आपके सो कॉल्ड वेल विशर्स, आपके सो कॉल्ड शुभ चिंतक चाहते ही नहीं कि आप स्पिरिचुअली इवॉल्व हो, क्योंकि देन यू विल बी आउट ऑफ देयर लीग। वो चाहते नहीं कि आप स्पिरिचुअली इवॉल्व हो, क्योंकि वो आपको राग द्वेष रूपी राक्षसों में पकड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दुखी हो। आई एम सॉरी टू गिव दिस एग्जांपल, बट आप यदि पीसफुल, हैप्पी, चीयरफुल हो तो आपके सो कॉल्ड वेलविशर्स फील ऑकवर्ड। वो चाहते हैं कि आप उनकी लीग में आए, और आपके लीग में लाने के लिए वो आपको तिगड़म मारते हैं कि कैसे आपको दुखी किया जाए। I'm sorry, but that's a fact. ये राग द्वेष, ये जो दुश्मन बैठे हुए हैं इनको कॉन्कर करो, ये राक्षस हैं, और ये मोह के सागर में आपको मुझको पहुंचा देते हैं। और जिसने इस राग द्वेष रूपी राक्षस को संहार किया, इसलिए हमारे यहां शास्त्रों में देव असुर संपत्ति विभाग योग है। ये मंथन जब हुआ तो देवता और असुरों के बीच में हुआ। गीता जी के 16वें अध्याय में राक्षसों के 4 गुण बताएंगे, देवताओं के 26 बताएंगे, और आप हैरान हो जाएंगे राक्षस के जब आप गुण देखोगे। क्या है राक्षस? राक्षस कोई वो नहीं है जो सींग लगा के काले कपड़े पहन के बैठे। आप ही की डिजायर आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, और उसी को हम सबसे ज्यादा हवा देते हैं। और ये जब पैदा हो जाती है, बढ़ जाती है, तो ये हमें सबसे ज्यादा नुकसान कर लिया। मैंने एग्जांपल आपको दिया था जादू के ब्रश का। जादू के ब्रश से कुछ भी करो जिंदा हो जाए, तो जादू के ब्रश से उसने मकान बनाया, मकान जिंदा हो गया। जादू के ब्रश से उसने दुकान, कुछ चीजें बनाई, सब जिंदा हो गई। गाय बनाई, गाय जिंदा होगी। बैल बनाया, बैल आ गया। ऊंट बनाया, ऊंट आ गया। एक दिन बाय मिस्टेक जादू के ब्रश से उसने शेर बना लिया, और शेर जब जिंदा हुआ तो उसी को खा गया। ये डिजायर किसने बनाई? आपने बनाई। और किसको खा जाती है? आपको खा जाती है। तो ये राक्षस है, ये मोह के सागर को रूपी राक्षस को जो मारता है वही शांति को प्राप्त होता है, और उसके बाद उसमें चलता। पूरी की पूरी रामायण यही बात दर्शाती है। अशोक वाटिका में भगवान राम के साथ सीता पंचवटी में थी या अयोध्या के जंगल में थी, सब जगह खुश थी। लेकिन जैसे ही पंचवटी में थी वो खुश थी, लेकिन जैसे ही गोल्डन फ्लीटिंग डियर आया, मृग आया, सेंस ऑब्जेक्ट आए, राग द्वेष बढ़ा, लाइक्स और डिसलाइक्स बढ़े। और ये लाइक्स और डिसलाइक, जैसे ही काम आए, राम चले। सीता जीव है और राम
परब्रह्म है, राम ब्रह्म है और सीता जीव है, और जीव और राम जब से इकट्ठे थे शांति थी, लेकिन जैसे ही कामना आई सीता के मन में राम जी चले, और जैसे ही राम जी गए तो भी सीता सुरक्षित थी जब तक मर्यादा की लक्ष्मण रेखा के अंदर थी, लेकिन जैसे ही संयम की लक्ष्मण रेखा को जीव क्रॉस करता है, जैसे ही संयम की लक्ष्मण रेखा को जीव क्रॉस करता है, ये 10 इंद्रियों का राक्षस रावण जीव को क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। और तब भी जीव रहा कहां, अशोक वाटिका में, शोक मीन्स सारो, अशोक मीन्स नो सारो, सीता अशोक वाटिका में रही, रावण के दरबार में नहीं रही, रावण के महल में हरम में नहीं रही, क्योंकि उसका ध्यान किसके साथ था, राम के साथ। जब अशोक वाटिका में हो रही तो हनुमान जी मुंद्री लेके आए, नहीं नहीं यदि आप संसार में भी हो और आपका ध्यान राम में है तो प्रभु आपको साइन देंगे, सिंबल देंगे, और तब आपके घर में, आपके जीवन में राम मिला फिर होगा, और उसके बाद आप अयोध्या रहोगे, अयोध्या युद्ध नाम, अयोध्या जहां कभी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, जहां कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई ना हो, वो तब होता है जब जीव राम से मिल जाए, लेकिन जब जीव राम से छोड़ के काम से मिले तो रावण रूपी राक्षस आपको मुझको कैप्चर कर लेता है। एक श्लोक और, श्लोक नंबर क्या, हित्वात्म सुख निवृतः घटस्थ दीपवत् स्वस्थः स्वान्तरेव प्रकाशते बाह्य नित्य सुखासक्तिम् हित्वात्म सुख निवृतः घटस्थ दीपवत् स्वस्थः स्वान्तरेव प्रकाशते। Having relinquished attachment to transitory external joys, the one contented with the bliss of Atman Self shines within like a light placed in a jar. Adi Shankaracharya कहते हैं, बाहरी विषयों को अनित्य सुख आसक्ति को त्याग कर आत्मानंद द्वारा तिप जीवन मुक्त अपने भीतर घटस्थित दीप की भांति अकेला दीप्यमान है। I explain you, मुश्किल हिंदी है लेकिन मैं सिंपल हिंदी करके बताता हूँ कि having relinquished attachment अर्थात लगाव को त्यागने के बाद, आपके लगाव आपके सबसे बड़े दुश्मन है और सारी दुनिया आपके लगाव को पैम्पर, यू लाइक इट टेक इट, यू डोंट लाइक इट डोंट टेक इट, दे पैम्पर यू एंड दे टेम्पर यू लाइफ लॉन्ग, और खासकर जब तक 18 साल का बच्चा होता है उसको उसकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स को इतना पैम्पर किया जाता है, इतना ज्यादा पैम्पर किया जाता है कि जब वो घर के इनक्लेव से बाहर निकलता है, घर की चार दीवारी से बाहर निकलता है, द वर्ल्ड इज वेरी हार्श एंड हार्ड टू यू, प्लीज समझिए, जब बचपन में सारी आपकी पैम्पर और टेम्पर खत्म, आपकी सारी लाइक्स और डिसलाइक्स को पूरा किया जाता है, ऐसे में वो घर के इंक्लेव में कुकून बन के रह जाता है, और जैसे घर से बाहर निकलता है, संसार बहुत हार्श है, हार्ड है, इसलिए संसार उसे पसंद नहीं आता, संसार में कमियां ढूंढता है, संसार में गलतियां ढूंढता है, वो वापिस अपने घर जाके वापिस अपने इस तरह पे सो जाना चाहता है, क्योंकि उसको घर पे क्या हो रहा है, सब लोग पैम्पर कर रहे हैं, बट ऐसा आदमी कभी ऊंची उड़ान नहीं देता, हैवी रिलिंक्विश्ड अटैचमेंट, इसलिए गुरुओं के पास भेजा जाता था हमारे शास्त्र, दशरथ राम जी को अपने प्रिय पुत्र को राम को जो जान से ज्यादा प्यारे थे उनको भी जंगल भेज, उनको भी गुरु के पास भेजा, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा आदमी की लाइफ में संयम आए, टफनेस, स्कूलों में एयर कंडीशन नहीं होते थे,
एयर कंडीशन बस में जा रहे हैं, एयर कंडीशन स्कूल में पढ़ रहे हैं, एयर कंडीशन एनवायरमेंट रह रहे हैं, सारा कुछ बॉइल्ड मिनरल वाटर पी रहे हैं, इतना कुमसुम बना देते हैं बच्चों, इतना नाजुक बना देते हैं बच्चों को, इतना ज्यादा निर्भर बना देते हैं बच्चों को कि व्हेन दे गो आउट इन द वर्ल्ड दैट्स व्हाई दे नॉट एबल टू हैंडल इट। उसके तरीके ढूंढते हैं, शॉर्ट टर्म तरीके ढूंढते हैं, बूट कैंप्स में चले गए, स्काउट्स में चले गए, लेकिन वो टेम्परेरी, क्योंकि उन्हें पता है कि ये टेम्परेरी है। तो हम सब लोग अनित्य सुख आदि को त्याग के हैवी रिलिंक्विश अटैचमेंट टू द ट्रांजिटरी एक्सटर्नल जॉय, वन एक्सटर्नल जॉय को थोड़ी देर के लिए छोड़, अपने आप को परमात्मा अध्यात्म के साथ बैठ। इसलिए हमारे जो 3 हफ्ते का कोर्स है यंगस्टर्स के लिए, उसका डिजाइन वन ऑफ द पर्पस यही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है गीता एकेडमी की कि वहां पे नेटवर्क ही नहीं आता, नेटवर्क ही नहीं आता। आता है एक जगह, एक नेटवर्क ट्री है, हम कहते हैं उसे नेटवर्क ट्री, जिसे मैं सुबह भेज देता हूँ बच्चों को, यंगस्टर को, जाके वहां पे नेटवर्क करके। लेकिन बच्चों ने खुद बोला मुझे, या बच्चे क्या 18 से 30 साल के, 35 साल के बच्चे तो नहीं, वो कहते सर वी नेवर इमेजिन इन लाइफ विदाउट दिस। क्यों? थोड़ा सा आत्मनिर्भर बनाओ, थोड़ा सा संयम दिखाओ, थोड़ा सा रिस्ट्रेन हो, लेकिन नहीं करते, पैम्पर करते। मैंने बताई है घटना, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। हम गोहाना जाते थे, गोहाना दिल्ली से कोई 80 किलोमीटर दूर है, संजीवनी स्पा है। हम बच्चों को लेके गए, 40 बच्चों, 2 दिन के लिए, फ्राइडे रात, सैटरडे रात, संडे मॉर्निंग, संडे आफ्टरनून वापस आना। फ्राइडे मॉर्निंग लेके गए, सैटरडे मॉर्निंग एक लड़का मुझे कहने लगा, अंकल कैन वी हैव अ चिप्स और अ कोक, क्योंकि गोहाना इज अ ह्यूज प्लेस जो संजीवनी है, और वहां पे कोई बाहर जा सकता है, वहां पे चिप्स को कुछ मिलता नहीं उस जगह में। मैंने कहा यू वोंट डाई इफ यू डोंट टेक पेप्सी कोई, बट सैटरडे नाइट को आई सॉ द किड्स के बाहर पे पेप्सी और कोक और चिप्स के पैकेट पड़े। मैंने पूछा कहां से आए, कहते दादी ने भेजे। सो हम इन द नेम ऑफ लव अपने बच्चों को पैम्पर और टेम्पर करते, थोड़ा सा संयम आए। इसलिए गुरु घर गए पढ़न रघुराय, अल्पकाल बहु शिक्षा। तो संयम सिखाएं, ऐसा व्यक्ति जिसमें रिस्ट्रेन है वो जीवन की ऊंची उड़ान पर पहुंचता है। इस श्लोक को अभी हमने पूरा किया नहीं, इस श्लोक को मैं पूरा करूंगा कल दोबारा, वी विल डिस्कस वर्स नंबर 51 इसी विचार के साथ। हरि ओम। ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।